प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को भी गोरखपुर से इन ट्रेन को चलाने की उम्मीद जग गई है। पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी कैंट से रामबाग प्रयागराज रूट से होकर चल रही वंदे भारत की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर भी यह गति हासिल करने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे की ओर से वंदे भारत रैक के निर्माण को लेकर निविदा जारी हो गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे को यदि वंदे भारत रैक के निर्माण कार्य मिलेगा और ट्रेन संचालन की इजाजत होगी तो पूर्वोत्तर रेलवे से वंदे भारत ट्रेन चल सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन सेट के उत्पादन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य मार्ग छपरा बाराबंकी की गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए आवश्यक डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, सर वंदे भारत को लेकर क्या तैयारी? भारतीय रेल स्तर पर कुल 58 वंदे भारत रेक के लिए निविदा आमंत्रित की गई है और शीघ्र ही इस पर एजेंसी फिक्स करके जो कार्य है वो प्रारंभ किया जाएगा। एक बार वंदे भारत रेक बनना शुरू हो जाएगी फिर उसका अलॉटमेंट क्षेत्रीय रेलों को किया जाएगा। अगर पूर्वोत्तर रेलवे को वंदे भारत रेक मिलती है तो उसके चलाने संबंधी जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। अभी पूर्वोत्तर रेलवे की जो मुख्य लाइन है छपरा से बाराबंकी, इस लाइन पर जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट सिग्नल की है उसके लिए डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाना है, जिस पे कार्य चल रहा है। बाकी जो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो हमारे 52 kg की रेलें हैं वो 60 kg में परिवर्तित की जा रही हैं, तो एक बार मेन लाइन सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तैयार हो जाएगा तो और आसानी से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, इनके लिए बेहतर रहेगा। सर ये उम्मीद कब तक उम्मीद किया जाए? जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो है निविदा आमंत्रित की गई है 58 नई वंदे भारत रेक बनाने के लिए, जब ये तैयार हो जाएंगी तो इनको क्षेत्रीय रेलों को दिया जाएगा और अगर पूर्वोत्तर रेलवे को इसका अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद इसको चलाने संबंधी जो भी आवश्यक निर्णय है वो लिए जाएंगे।